हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एवेंजर्स 5 मूवी के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप में से बहुत लोग मुझे और बहुत से क्रिएटर को ये पूछते हो कि हमें एवेंजर्स 5 मूवी देखने मिलेगी या नहीं मिलेगी, और एवेंजर्स 5 की अनाउंसमेंट कब होगी, और एवेंजर्स 5 मूवी रिलीज़ कब होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों की इसमें थोड़ी गलती है। यानी कि आप लोग किसी एक को ही पूछो जिसको अच्छी खासी नॉलेज हो। आप लोग 10 जगह पूछोगे, फिर अलग अलग आंसर आप लोगों को मिलेगा, उससे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके ऊपर बिलीव करें और किसके ऊपर शक करें। बाकी आपकी मर्ज़ी, मुझे बताना था, मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एवेंजर्स 5 मूवी हमें एमसीयू के फ्यूचर में देखने मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बारे में। तो बात करूँ मेरी, तो मुझे लगता है कि एवेंजर्स 5 मूवी हमें देखने मिलेगी एमसीयू के फ्यूचर में। तो देखो, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि इतनी अच्छी खासी फ्रेंचाइज जिसका अच्छा खासा नाम हो, खुद में एक ब्रांड बन चुका हो, और मतलब इतना क्रेज़ हो पब्लिक में, पूरा वर्ल्ड वाइड में क्रेज़ हो, उसको अचानक से गायब या बंद कर दे। ऐसा कोई कंपनी ने नहीं किया है, उन लोगों का फ़ायदा है, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एवेंजर्स 5 मूवी आने को टाइम लगे, ये हो सकता है, लेकिन बंद नहीं करेंगे वो लोग, इतने में आप लोगों को गारंटी दे सकता हो। और ये चीज़ बॉब आइगर सर ने और केवन फेगी सर ने दोनों ने एक तरीके से कन्फर्म किए है कि एक टीम अप मूवी हमें देखने मिलेगी। एक क्या, यानी कि एवेंजर्स 5 ही नहीं, एवेंजर्स 6, 7, 8, 9, 10 अनलिमिटेड देखने मिलेगी हमें। तो वेट करो, हमें देखने मिलेगी। हाँ, टाइम लग सकता है, मैं अभी भी आप लोगों को कह रहा हूँ टाइम लग सकता है, क्योंकि सब लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे, स्टोरी बताएंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि आप लोग एवेंजर्स 5 मूवी को यंग एवेंजर्स और डार्क एवेंजर्स सीरीज़ या फिर मूवी आएगी उससे मतलब मिक्स मत करना। एवेंजर्स 5 एक अलग मूवी होगी, और यंग एवेंजर्स और डार्क एवेंजर्स में अलग स्टोरी होगी, और वो मतलब अलग कैरेक्टर्स हो गए। यंग एवेंजर्स में यंग एवेंजर्स हो गए, एवेंजर्स 5 में हमें न्यू कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, प्लस हम जिन लोगों से मिल चुके हैं, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, कैप्टन मार्वल, ब्लैक पैंथर, जितने भी है एंटमैन, तो वो सब हमें दिखाई देंगे और न्यू कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। तो एवेंजर्स 5 को अलग रखो और यंग एवेंजर्स और डार्क एवेंजर्स को अलग रखो, मिक्स मत करना। तो अब मुझे इतनी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमें एवेंजर्स 5 मूवी देखने मिलेगी। आप लोगों को मेरे ऊपर बिलीव है ना, मतलब मेरी पब्लिक को था मेरे ऊपर बिलीव। अगर कोई न्यू देख रहे हैं तो आप लोग मेरा बैकग्राउंड चेक कर सकते हो, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। और मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि एवेंजर्स 5 की अनाउंसमेंट कब तक हो सकती है। तो मेरे हिसाब से एवेंजर्स 5 की अनाउंसमेंट होगी 2022 में। D23 एक्सपो है, सितंबर 9 से लेके 11 तक चलेगा। तो आप लोगों को मैं बता दूँ वो दिन स्पेशल क्यों है, यानी कि मुझे क्यों लग रहा है कि उस दिन अनाउंस होगा। तो वो दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि दी वॉल्ट डिज्नी कंपनी का 100वां एनिवर्सरी है। तो उन लोगों का एनिवर्सरी है, तो वो लोग कुछ भयानक मतलब प्रेजेंट करेंगे, मतलब अलग अलग तरीके से। तो वहाँ पे मार्वल भी मतलब अटेंड करेगा। तो मेरे हिसाब से केवन फेगी सर एवेंजर्स 5 वहाँ पे अनाउंस करेंगे। और अब बात करते हैं कि एवेंजर्स 5 मूवी हमें कब तक देखने मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एवेंजर्स 5 मूवी हमें देखने मिलेगी 2025 में या फिर 2026 में। और ऐसा मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को 2024 कहा था, सबसे पहले कहा था। आप लोग मेरा मतलब लिस्ट चेक कर सकते हो यूट्यूब में, सबसे पहले मैंने कहा था 2024 में हमें एवेंजर्स 5 मूवी देखने मिलेगी। प्लस आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं कि 2025 या फिर 2026 को एवेंजर्स 5 हमें देखने मिलेगी। आप लोगों को पता है कि इतनी सारी मूवी डिले हुई है, तो उसमें थोड़े गड़बड़ में वो लोग डिले कर सकते हैं एवेंजर्स 5 मूवी को, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। बाकी एक कुछ पक्का पता चलेगा मुझे या फिर रूमर वगैरह मिलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमें एवेंजर्स 5 मूवी देखने मिलेगी एमसीयू के फ्यूचर में। एवेंजर्स बननी होगी, यानी कि एवेंजर्स की फ्रेंचाइज बननी होगी, टाइम लगेगा, स्टोरी बिल्ड होने में टाइम लगता है, न्यू कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे वगैरह वगैरह चीज़ देखने मिलेगी। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि एवेंजर्स 5 में हमें विलन कौन दिख सकता है, टाइम लगेगा क्योंकि मुझे भी थोड़ा सोच समझ के बनाना पड़ता है, ऐसी अंधाधुंध तो कुछ टोक नहीं सकता ना अपने मन से। तो पहले मैं कुछ सोचूंगा, फिर आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। और यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को फैक्ट दिया है, क्योंकि D23 एक्सपो 2022 में जो होने वाला है वो एक स्पेशल इवेंट होने वाला है, क्योंकि उन लोगों का 100वां एनिवर्सरी है। तो उस हिसाब से मैंने अपना फैक्ट रखा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों को क्या लगता है कि एवेंजर्स 5 कब तक आ सकती है, अनाउंसमेंट कब तक हो सकती है, और जो कुछ आप लोगों को लगता है एवेंजर्स 5 मूवी के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा है बंदी हो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो। एमसीयू मास्टर, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।